अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। टीचर अमीना एक उर्दू के नए सबक के साथ। आज हम उर्दू में नई चीजें सीखेंगे, ठीक है? आप सब तैयार हैं? सबसे पहले हम उर्दू की नज़म पढ़ेंगे और नज़म का नाम है मछली का बच्चा। सब बच्चे मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। मछली का बच्चा अंडे से निकला, पानी में फिसला, अब्बू ने पकड़ा, भैया ने काटा, अम्मी ने पकाया, हम सब ने खाया, बड़ा मजा आया। जी बच्चों, ये थी मछली के बच्चे की नज़म। अब हम देखते हैं कि और हम क्या चीजें सीखेंगे। बच्चों, आज हम दाल के खानदान की दोहराई करेंगे, ठीक है? दाल के खानदान में सबसे पहले क्या आता है? दाल, जिसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता और ना ही मुन्नी तोय होती है, ठीक है? और दाल के बाद होती है द। दाल के बाद आता है दाल, और दाल के ऊपर होती है मुन्नी तोय, और दाल की आवाज होती है द। दाल के बाद आता है जाल, जाल के ऊपर एक नुक्ता होता है और जाल की आवाज होती है ज, जाल ज। शाबाश। अब हम देखेंगे कि इन हरूफ से कौन कौन सी अशिया बनती हैं। सबसे पहले कौन सा हर्फ आता है? दाल, और दाल की आवाज होती है द। दाल से बनने वाली अशिया हैं दाल द दरख्त, दाल द दर्जी। शाबाश। चलिए अब हम देखेंगे दाल के बाद कौन सा हर्फ आएगा? डाल, और डाल के ऊपर होती है मुन्नी तोय, और डाल की आवाज होती है ड। तो डाल से कौन कौन सी अशिया बनती हैं? डाल ड डब्बा, डाल ड ड्रम। शाबाश। दाल के बाद कौन सा हर्फ आता है, जल्दी से बताएं? जाल। दाल के बाद आता है जाल, और जाल के ऊपर क्या है? नुक्ता। जाल के ऊपर एक नुक्ता होता है और जाल की आवाज होती है ज, जाल ज। जी, जाल से बनने वाली अशिया हैं जखीरा, सब बच्चे मेरे साथ बोले जाल ज, जखीरा, जाल ज, जहन। शाबाश। तो बच्चों, मेरा आज का सबक यहाँ खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस सबक की दोहराई करेंगे। अल्लाह हाफिज़।